भटके हुए हैं, अन्य धर्मों में भटक रहे हैं, कि आप सब आएं, सत्य को समझें, भगवान को जानें, भगवान को समझें, अपने सनातन धर्म को समझें। मतलब सनातन धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म ना अपनाएं। जी, इससे ये स्पष्ट होगा कि आप भगवान को मानें। जी, भगवान को मानें। भगवान को मानिए। तो फिर जो और भी धर्म बनाए गए हैं तो फिर गलत? धर्म बनाए नहीं गए, लोग अपने से बना लिए हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म तो लिखित है, प्रमाण है उसका, बौद्ध धर्म का प्रमाण। इसे धर्म को कितने कितने भागों में बांटा गया? आपने कहा अलग अलग भागों में, तो कुछ पता है आपको? अपना हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की सनातन धर्म? सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो, कर्म करते रहो, फल मिलता रहेगा। जो सनातन धर्म की चला गया तरफ चला गया वो सही हो गया, तो और भी जो धर्मों में बट गया वो गलत हो गया। प्रयागराज की बात करें तो हर साल यहाँ माघ मेला लगता है और दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, जबकि यहाँ महामंडलेश्वर सहित कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका जिनका नाम है शिवांगी किशोरी जी, स्वागत है आपका। जय श्री राधे आप सभी को। शिवांगी किशोरी, आप कथावाचिका हैं, कब से स्टार्ट किया आपने कथावाचन करना? 9 साल की उम्र से। 9 साल की उम्र से ही? जी। अभी हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे तो पता चला कि आप 2.5 साल की उम्र से ही अपना पढ़ना शुरू कर दिया। जी। अब 5 साल की उम्र में गीता तक आपने याद कर लिया। जी। तो ये कैसे संभव हो पाया था 5 साल की उम्र में? अब घर वालों की इच्छा थी और पिताजी की विशेष इच्छा थी और मैं वहाँ पहुँची, पिताजी के माध्यम से वहाँ गई और फिर वहाँ के संस्कारों को देखी, उस संस्कार में रही और उसका प्रभाव रहा कि 5 साल की उम्र में मुझे गीता याद। तो गीता पूरा आपको याद रहा? से लगता है कि हमारे देश के उन युवकों को, चाहे जो परेशान सा रहते हैं जीवन में, सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो कौन सा श्लोक वहाँ पर काम करेगा आपके लिए? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपाशते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा, और भगवान ये खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में ज़्यादा आसक्ति रखता है, पहले मैं जिसके ऊपर अपनी कृपा बरसाना चाहता हूँ, कृपा करना चाहता हूँ, तो पहले मैं उसके अहंकार को तोड़ता हूँ, जिसमें उसकी आसक्ति बढ़ेगी मैं उस चीज़ को उससे छीनता जाऊँगा, और फिर धीरे धीरे जब मुझे लगेगा कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर मैं धीरे धीरे उसे प्रदान करूँगा। तो यही कहना है कि आप कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें आगे क्या होगा, भगवान है, भगवान के ऊपर छोड़िए, यानी भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए, जो करने वाला वो करते रहे। जी। यानी तो जब कथा वाचन करती हैं तो किस धर्म को अधिक तरह से आप जोड़ देती हैं? अपना सांस्कृतिक धर्म। कौन सा धर्म? अपना हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की सनातन धर्म? सनातन धर्म हिंदू धर्म दोनों। तो मैम यही हम तो जानना चाहते थे, सवाल खींच खींच के मैं यही ला रहा था, क्योंकि आप एक युवक, एक कथावाचिका हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म? सनातन धर्म। हिंदू धर्म, हिंदू क्या है? हिंदुत्व धर्म भी है, सनातन है, तो दोनों एक ही, लेकिन लोगों ने अलग अलग बांट दिया है। तो दोनों ने अलग अलग बांटने का मतलब फिर दोनों लोग अलग अलग लोग भी बांट जाएंगे? अभी अभी बताया गया है कि आप जिन्हें ज्ञान नहीं होगा वो तो भटकेंगे ही, सो ज्ञान के लिए तो ये सनातन धर्म, और ये आज का नहीं बहुत परसों का है, बहुत पुराना सनातन धर्म है। लोग धर्म को अलग अलग भागों में बांट दिए तो बात अलग है, लेकिन हमारा तो जैसे धर्म को कितने कितने भागों में बांटा गया? आपने कहा अलग अलग भागों में, तो कुछ पता है आपको कौन कौन से भागों में बांटा है? देखिए 4 धर्म हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, वो तो वर्ण है, लेकिन 4 धर्म अपने सनातन धर्म के हैं जो कि बताया गया है। हम ये समझते हैं कि हिंदू जो शब्द है, हिंदू जो विचारधारा है, वो सनातन की ही एक शाखा है। मतलब कहीं न कहीं सनातन धर्म को लोग अलग अलग नामों से जानना चाहें। बिल्कुल, अनेक पंथ के अनुयायियों ने अलग अलग तरीके से उसे परिभाषित किया है। हाँ किशोरी जी, कथा आप सुनाती हैं, जगहों जगहों पर जाती हैं, लोग बहुत सारे लोग आते होंगे, हजारों की भीड़ होती होगी, कभी भी तो ऐसा मौका आएगा कि लाखों की भीड़ होगी, तो उस कथा से लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो उद्देश्य होगा कि मैं कथा सुनाऊंगी तो इस उनको ये फर्क पड़ेगा। देखिए हमारा तो फर्ज है कि मैं लोगों को राह
अच्छी राह दिखाऊं, सत्य के बारे में उन्हें बताऊं, समझाऊं। कौन सी राह बताना चाहिए? कि आप जो भटके हुए हैं, अन्य धर्मों में भटक रहे हैं, कि आप सब आएं, सत्य को समझें, भगवान को जानें, भगवान को समझें, अपने सनातन धर्म को समझें। मतलब सनातन धर्म को छोड़ के कोई दूसरा धर्म ना अपनाएं। जी, इससे ये स्पष्ट होगा कि आप भगवान को मानें। जी, भगवान को मानिए, भगवान को मानिए। तो फिर जो और भी धर्म बनाए गए हैं तो फिर गलत? धर्म बनाए नहीं गए, लोग अपने से बना लिए हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म तो लिखित है, प्रमाण है उसका, बौद्ध धर्म का प्रमाण है, अलग अलग धर्मों का प्रमाण है। जी बताएं। देखिए, भागवत में ऐसा आया भी है कि एक ही राजा के चार पुत्र थे, वो अपने अपने अलग अलग कार्यों के आधार से उनका वो नाम रखाता गया। अब जो बाहुबल थे, जो ज़्यादा उसमें शक्तिशाली थे, वो क्षत्रिय की तरफ आ गए। जो ज़्यादा ब्राह्मण या विद्वान थे, उनको ब्राह्मणों की तरफ ले लिया गया। जो सेवा कार्य कर, सबका ऐसे ऐसे अलग अलग से भी अपने अपने आधार से अलग अलग धर्म की तरफ लेते गए। जो 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 सनातन धर्म की तरफ चला गया वो सही हो गया, तो और भी जो धर्मों में बट गया वो गलत हो गया। सर बताएं। देखिए, जो जिधर गया उसकी अपनी इच्छा है, कोई गलत नहीं है। हम इतना जानते हैं कि अगर आपका धर्म है, आपका कर्म सही है, तो आप कहीं भी हों वो सही है। लेकिन सनातन धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं है, इस बात का आपको अनेकों प्रमाण मिलेगा। तो वो एक बहुत अलग विस्तार का वो है, विषय है। हम उस तरफ जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो बहुत लंबा चर्चा लंबा जाएगा। हम कथा के माध्यम से इंसान को इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। आज इंसान इंसान नहीं है, मानव के रूप में वो भेड़िया है। इसलिए अगर वो मानव बन के मानव बन जाए तो उसका जीवन सफल, इसी के उद्देश्य को लेकर कथा की जाती है। और कथा की विचारधारा अनेक है। सिर्फ इंसान बन जाने से हमारी मानवता पूर्ण नहीं हो जाती। इंसान के जो कर्तव्य हैं, उस पथ पर चलने के साथ साथ जब हम अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने आप को सुधार लेते हैं, तो वो हमारी कथा जो होती है वो करना सार्थक है। और हम समझते हैं कि किसी एक कथा में हजारों की भीड़ हो या सैकड़ों की भीड़ हो, कोई एक से दो व्यक्ति भी सुधर जाए तो कथा का होना सफल है। हाँ, किशोरी जी, अभी आप तक आपको कितने श्लोक याद होंगे? भागवत के तो श्लोक याद ही जी, सारे नहीं याद है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जो भी जितनी आवश्यकता उतना याद है। तो कुछ ऐसे श्लोक जो आप सुनना चाहें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसमें भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सतघन, चितघन और आनंदघन बराबर सच्चिदानंद। तो परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, परमात्मा आनंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का हेतु भी एकमात्र गोविंद है। और तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में तीन प्रकार के ताप होते और तीन प्रकार के पाप होते हैं। ताप है आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैहिक ताप। और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का तीनों प्रकार के तापों के विनाश के लिए हमारे जीवन में तीन प्रकार के पाप होते हैं, वो हैं मनसा, वाचा और कर्मणा। ये तीन प्रकार के पाप हैं।